डरो मत, बोलो नासिर नासिर उस्ताद तुम डरपोक हैं, तुम डर रहे हैं, बोले वो नहीं डरता है। बिल्कुल बेफिक्र रहो सर, आपको ही जाएंगे उठाने। आपके आपकी बात करेंगे हम इंशाल्लाह, और आप ये बार इंशाल्लाह एमएलए बन के चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआ भी है अल्लाह से, गुजारिश भी अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं। अगर साथ देने का वायदा करते हैं तो बढ़ता हूँ आगे। इस बार आप लोग साथ देते बोलते आगे बढ़ता हूँ। हिम्मत से रहूँ मैं, आगे बढ़ूँ। बेशक आधे रात को बोला मैं तलाड़ी हूँ। नासिर उस्ताद सब खुद देंगे 100%। हमको एक बेबाक लीडर होना है, वो नासिर उस्ताद है हमारे। लोग अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हमारे से गलती हुई, हम आपको नहीं देकर आज पछता रहे हैं हम, मगर इस बार नासिर भाई आप ही हैं। अल्लाह आपकी मदद करेंगे, बहुत मदद कर रहे हैं। पार्टियों की हिम्मत ऐसी हो गई है, अरे हम टिकट ले ले तो बस हम जीतते बोलने का है। भाई वोटर इम्पोर्टेंट है, आप लोग इम्पोर्टेंट है। हाथ मिला के वादा कर, वायदा करते हैं साथ देने का, तो मैं इलेक्शन ठहरता हूँ। अरे शाबाद में मतीन से हमारे और शाबाद आले हमारे सब पूरे, हाँ हाँ इधर ही सर, तो आपके साथ में थे तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ होंगे। कोशिश में आपकी आपकी है जरूरी। अरे मेरे को एक वादा कीजिए, अभी से आप लोग सब लोगों को बोलना शुरू करें आपका साथ नहीं बिल्कुल इंसाफ। मैं आपको वादा करता हूँ शर्मिंदा नहीं होंगे, आपका सीना फकर से चढ़ाऊंगा, आपका भाई बहुत असेंबली में बात करते हुए देख के कनाडा में बात करता हूँ, मैं जाके फोटो नहीं लेता वहाँ पे। आपके यहाँ से इफ्तिता हुई इस बार? जी जी मेरे अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वादा है, बिल्कुल पूरा खुल के इस बार आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को अभी से बोलना शुरू करना, बिल्कुल वादा है, बिल्कुल वादा है हमारा, आगे बढ़ूँ फिर। बिल्कुल बढ़िया, बीजेपी का डर बताकर आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला मेरा साथ देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप साथ देते बोलते ठहरता हूँ, वायदा है आपका। गोश्त का हर चीज़ के ऊपर मसले मसाइल चल, इसके बारे में मुसलमान को उस सारी शरीयत को भी समझना है, हिंदू मुस्लिम इतिहाद को भी बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना। मेरा इंसाफ करते हैं आप लोग, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, आप ही मेरा वोट बैंक। आप लोग अगर वायदा करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आप एक सीट का नाम, लोग आते हैं आज 15 दिन पहले आए के माहौल बिगाड़ करके डरा के, लड़ने वाले का साथ दीजिए, डराने वाले का नहीं। आपका भाई लड़ रहा है ना, ठीक है सर, आप सब लोगों को बोलिए भी। बिल्कुल साहब, हमारा तो ये रहता है कि आप आए तो बहुत अच्छा है, और क्या वो आज से पहले सुबह 10 बजे सब बात कर जवाब दिए हैं। पसंदीदा कांग्रेस पार्टी यही थी, तो हम बोले ना इधर वालों ने लिखाना मैडम को लिखाना, अब लिखाना तो नासिर उस्ताद साहब को लिखा है, तो क्या तुम जरा काम आओ, तुम जरा दुआ रहे, मैं एक ही शख्स में करूँगा, ऐसा बोलिए। नासिर उस्ताद साहब को लाना बहुत ज़रूरी है, अब क्योंकि वायस साहब एक ही हैं जो गुलवारे में जो ठहर को जो बात कर सकते हैं, दूसरे तो वैसे नहीं है। और हमारा तो जो है ये है ख्याल कि नासिर उस्ताद को जिता के लिखाना, बिल्कुल नासिर उस्ताद को जो है लिखा है तो पहले भी करें, कोशिश जो है जारी है, ये तीसरी बार, लेकिन एक बार उनको मौका देना। आप इस फर्स्ट हर चीज़ के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ, खुल के बात करो, जो लोग जीते हैं उन्हें कुछ भी करें नहीं करें उन्हें बोलेंगे। आप तो हिम्मत से बोल सकते हैं ना, हम जिनको वोट डाले उन्हें हमारा हक निभाया बल्कि बोल सकते ना। सब लोगों को बोल रहे हैं बोलना शुरू करें, नासिर उस्ताद को डालना बल्कि शुरू करें बोलना, बस शुक्रिया बहुत बहुत। बड़े भाई को नहीं डालते क्या, दूसरे को डालेंगे? अल्लाह का फजल है, हम साथ देंगे सब, मुसलमान होने का पूरा हक अदा करना है, मेरे साथ इंसाफ करना है इस बार। बस ये सर, कैसा कौन भी बड़े लोग आ, तुम खामोश बैठे तो क्या होता है, बड़े लोग आते हैं नहीं बीजेपी जीतती वो जीतती, तुम्हें वो पार्टी को वोट डालना, तुम्हें ये पार्टी। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देते क्या, बीजेपी के नाम से डराने वाले का साथ लड़ने वाले के साथ? अरे बोल लिखा है क्या, हम तो आपके साथ में इंशाल्लाह आखिरी टाइम हम आपके साथ, हम पर्सनल कैंपेन करेंगे, जहाँ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं बोलना शुरू करना खुल के। बिल्कुल हम तो आपके बारे में बोल रहे हैं, जहाँ पर कैंपेन को नासिर हुसैन उस्ताद साहब आए थे, इंशाल्लाह हम उनको इस बार दिल से जिताएंगे उनको आज, ये बार इंशाल्लाह, और ये बार एमएलए इंशाल्लाह नासिर उस्ताद ही रहेंगे गुलबर्ग से इंशाल्लाह।
ठहरना नहीं ठहरना ठहरना कैसा नहीं ठहरते अब तक साथ देते आए सोचा साथ देते कैसा नहीं देते इस बार खुल के सब लोगों को बोलेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह चलते प्रचार चल रही चल रहा है चल रही ना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था प्रचार खुल के करना खुल के इंशाल्लाह ऐसे कोई बड़ी बात नहीं वायदा है आपका नासिर उस्ताद दुआ में भी शामिल रखिए मैं जब तक जिंदा हूँ मिल्लत के लिए लड़ता रहूँगा आवाज़ बुलंद करता रहूँगा ये मेरा वायदा है नेशनल डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ वहाँ पर भी बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो सपोर्ट की हकदार मैं हूँ दूसरे हैं खुल के बोलना और मेरे को मदद करेंगे पूरा पूरा जिलो जान से पूरी पूरी से कोशिश हमको क्या वायदा है और हमारे नॉर्थ में भी बदलना है इस बार अब नासिर भाई को सपोर्ट करने के इरादे में हम इनको ही लाएंगे जीत के पूरे जने दिलो जान से उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आ जाएंगे हम क्लाउन वही आ जाएंगे नासिर उस्ताद आ जाएंगे हम पूरे जने उनके पीछे हैं उनके साथ ही कोशिश करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे हाँ इस बार 2023 के जो इलेक्शन में नासिर हसन उस्ताद को हम जिता के लाना उनका हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और स्टेट होंगे या हमारे गुलबर्गा नॉर्थ में स्टेट में बोले तो JDS को और नॉर्थ में हमारे नासिर उस्ताद सब कुछ जिता के लाना उनको पूरी कोशिश में है तो देख रहे हैं ना कुछ सालों में 2020 में जो कोविड का आया था उस टाइम पर लॉकडाउन से लेके अब तक सबसे पहले फ्रंट में आकर उन्हें ही काम करते मुसलमान के हर इशू में JDS होंगे हमारे नासिर उस्ताद उन्हें तो आके फ्रंट में आके उन्हें बात करते बिल्कुल बिल्कुल निकलता भी टाइम अवेलेबल तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से तो जी जी हमारे इस्लाम पहले आंदे बेटे हाँ। इस्लाम जिंदा इस्लाम के लिए लड़ते रहते हूँ जरा दुआ करना क्या नासिर उस्ताद के लिए दुआ करना भैया आप लोगों से पूछने के लिए आए हैं पूछने की जरूरत नहीं सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह वायदा किए हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुल के साथ देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम तो चाह रहे हैं सर साथ दे रहे हैं बिल्कुल साहब पूरा मिशगरी साथ उस्मान भाई शफी भाई बहुत कर रहे हैं हम सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह लेंगे आप कामयाब करेंगे इंशाल्लाह लड़ने वाले के साथ मैं लड़ रहा हूँ कौन लड़ रहे हैं आप लड़ रहे हैं हक मेरा है क्या उनका है आपका है आप नौजवान लोग खुल के अगर बोलना शुरू करेंगे तो वो जो लोग हैं ना घर में बैठे हुए अपने आप को बड़े बड़े सेठ समझ रहे हैं बड़े बड़े ताजिर समझ रहे हैं जिम्मेदार समझ रहे हैं उन्होंने लास्ट मोमेंट में इलेक्शन से 5-6 दिन पहले आते हैं उन्होंने क्या बोलते हैं अरे भाई तुम नासिर को वोट डाले तो BJP जीत वो 5 साल कहाँ रहते हैं वो लोग NRC के अंदर लड़ने टाइम पे आते हैं नहीं वो लोग मार्केट में गरीबों को तकलीफ दे रहे आते हैं पुलिस ना इस बार आप लोग साथ देते हैं बोल तो खुल के साथ खुल के कोई आके बोला तो सुबह कोई भी आके पूछ रहा उसको वोट डालो बोल तो पूछना क्यों डालना नासिर से बेहतर है डालो नासिर से हिम्मत वाला है डालो नासिर से अच्छी करना बात करता डालो वोट क्या करना इजाजत है वायदा है आपका साथ देने इस बार क्या मालूम नासिर उस्ताद साहब को जिता को लाना है इंशाल्लाह दमदार लीडर जबरदस्त है पढ़ा लिखे इंसान है मैं मोहम्मद फेरोज अहमद इंजीनियर सदर हैदराबाद कर्नाटका सिविल इंजीनियर एसोसिएशन आज यहाँ पे पिछले 7 दिनों से अलहाज नासिर हुसैन साहब इंजीनियर जनता दल के जो कायद है एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है बरोज जुमा से हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज्यारत करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद ने एक कैंपेन जो डायरेक्ट वोटर से मिलने के लिए एक कैंपेन जो स्टार्ट किया है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि रास्त वोटर के वोटर को आप मिल रहे हैं और यहाँ के जो मसाइल है उस पर बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वां दिन है हम यहाँ हागरगा रोड पर मौजूद है यहाँ जो वोटर्स यहाँ के जो बिजनेसमैन से हम जो बात कर रहे हैं उनकी यही ओपिनियन है कि ये गुलबर्गा शहर एक तारीखी शहर है यहाँ पर एक क़यादत पिछले 40 साल से जो मौजूद थी वो अब नहीं है अब यहाँ पे मिली मसाइल के लिए यहाँ के इश्यूज़ पर बात करने के लिए यहाँ पे कोई जो है क़यादत मजबूत मर्द क़यादत नहीं है तो मैं आज के जो कैंपेन में जितने भी यहाँ पे हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जो बिजनेसमैन है ये हागरगा रोड एक बिजनेस का हब है यहाँ पे जब आप कायदे मोहतरम जब वोटर से मुखातिब हो रहे हैं तो उनकी ये दरख्वास्त है खास से के उनकी ये रिक्वेस्ट है कि साहब कि यहाँ पे इश्यूज़ इतने हैं शहर गुलबर्गा में ये मिली मसाइल है और ख़ास करके ये हैदराबाद कर्नाटक रीजन का जो है यहाँ पे जो है डिवीज़न होने के बाद यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं आज इतने इश्यूज़ है यहाँ पे वोटर्स खुद चाह रहे हैं कि नासिर
साहब आप जो है आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ में हैं और इंशाल्लाह अजीज इस बार शहर गुलबर्गा में एक नई तारीख रकम की जाएगी। अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद को इस बार जो है यहाँ की हमारी अवाम जो सुलझी हुई अवाम है, देखी हुई है गुलबर्गा की सियासत क्या है क्या नहीं है, तो इस बार जो है यहाँ की अवाम हमारे खायद नासिर हुसैन उस्ताद के साथ में है, बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ चल रहे हैं और ये उनको तयखुन दे रहे हैं कि नासिर साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। तो लिहाजा मैं फिर एक बार हमारे शहरान गुलबर्गा से बिलखसूस नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप नासिर हुसैन उस्ताद का साथ दीजिए। दो इलेक्शन हम लोग साथ में ही रहे नासिर साहब के साथ, ये इलेक्शन में आज मेरा पहला दिन रहा, कुछ दूसरे कामों में मसरूफियत थी मेरी, मैं नहीं आ सका, मगर मेरे को ये बार बहुत ज़्यादा चेंजिंग दिखी क्योंकि लोग अपने तरफ से खुद बुला रहे हैं, खुद बुलाकर बोल रहे हैं कि नासिर साहब लास्ट वक्त हमारे से गलती हुई, इस वक्त इस बार जो है ना हम आप ही को वोट देने वाले हैं, क्योंकि लोगों का ये बोलना है कि आपके सिवा कोई लीडर नहीं है और आपके सिवा कोई एजुकेटेड नहीं है, आपके सिवा कोई जाकर बात करने वाला नहीं है और आपके सिवा सियासी समझ रखने वाला कोई नहीं है। पैसे वाले बहुत हैं, हर तरीके से सब अपने अपनी जगह दूसरे कंटेस्ट करने वाले हैं, मगर नासिर साहब का ऐसा हिसाब है हर लिहाज से कौम की खिदमत करने के लिए फिट हैं, तो लोग अपने तरफ से बुलाकर इतना बेहतरीन रिस्पांस दे रहे हैं इस बार कि हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये बार हमको दिखा, लोग अपने तरफ से बुला के बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा दिखा हमको। ये कैनवसिंग में और वो कैनवसिंग में बहुत फ़र्क है, लोग अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हमारे से गलती हुई, हम आपको नहीं देकर आज पछता रहे हैं हम, मगर इस बार नासिर भाई आप ही हैं, लोगों का बोलना ये है अपने तरफ से, कोई पूछे नहीं उनसे, खाली मुलाकात करने के तो लोग अपने तरफ से ये बात कर रहे हैं कि इस बार नासिर भाई आप ही हैं, भले कोई भी रहने दो, कोई भी आकर बोलने दो, क्योंकि लोग चोट खाए हुए हैं, लोग देख रहे हैं हालात, कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का, 100% 10% 15% पे काम करने वाले हैं पूरे, हालात बुरी है, सब देखे सो हैं, घरों में बैठने वाले हैं पूरे, ये एक शेर है जो बाहर निकल के काम करने वाला है, कमरुल इस्लाम के बाद ये एक ही शेर है नासिर उस्ताद जो शहर की क़यादत अच्छे से कर सकता है, अगर दानिशमंद लोग हैं तो मेरी बात को समझ सकते हैं, और नासिर साहब का साथ देना।